हे चैंप्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। और आज का जो पार्ट है वो है लेग मसल के ऊपर, कैसे लेग को इंप्रूव किया जाए। हाँ, सभी का मन में सवाल रहता है, लेग नहीं हो रहा है, बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ लेकिन लेग को इंप्रूव नहीं हो रहा है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसा कुछ तरीका जिसमें आपका लेग मसल बहुत अच्छे से डेवलप हो, क्योंकि लेग मसल ऐसा एक चीज है जिसको मैक्सिमम सब कोई इग्नोर करता है। आज मैं आपको हैमस्ट्रिंग का एक्सरसाइज दिखाने वाला हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और आज का सबसे पहला जो वर्कआउट है वो है स्टैंडिंग लेग कर्ल। एक एक पैर का करना है और बहुत ही स्लोली इसको परफॉर्म करना है। तो अच्छे से स्क्वीज एंड स्ट्रेच करना है ताकि मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बना रहे। इसका हम परफॉर्म करेंगे 5 सेट। पहला जो 2 सेट रहेगा वो रहेगा वार्म अप। वार्म अप में आपको मसल को खाली गर्म करना है, आपको मसल को थकाना नहीं है। वर्किंग सेट में आपको मैक्सिमम लोड तक जाना है। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट वर्कआउट। और अभी हम परफॉर्म करने वाले हैं लेग प्रेस। सबसे पहले तो इसका एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, सीट कौन सा एंगल पे रहे। जैसे कि मैं इसको पूरा नीचे तक लेके जाता हूँ क्योंकि मेरा पैर है बहुत लेंदी है, लंबा है, तो एक अच्छा सा एंगल होने से। वेट को हम पहले लगा चुके हैं जो मॉडरेट वेट है, स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं 60 किलो है। इसको ऊपर किसने रख दिया? पैर का जो गैप है ना उसको कैसे बनाना है, शोल्डर का जो नाप है, जो गैप है शोल्डर का, सेम गैप आपका फुट पे भी रहेगा। इसका ऐसे एंगल बनाना है जैसे हम लोग स्क्वाट करते हैं, स्क्वाट के टाइम पे पैर को जो पंजा है थोड़ा सा बाहर की तरफ, देन अपना जो हील है इसको एकदम बेस पे अच्छे तरीके से दबा के रखना है। देखना है पहले, मारने से पहले कि आपका जो प्रेशर है वो हिल पे आ रहा है कि नहीं, देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत चीज का ध्यान रख के एक लेग प्रेस करना होता है। नंबर 1 इज जो आपका स्पाइन है, बीच में देखिए ये पोजीशन है जो ये आर्क होना चाहिए, और ये ग्लूट है ये एकदम बेस तक जाना है, और मारने के टाइम ये बहुत दिन में उठ जाता है ऊपर, वो नहीं उठेगा, इसको धीरे धीरे नीचे तक लाना है और पुश। जैसे नीचे आ रहा है सांस ऊपर, कम ऑन, और गैप देंगे रेस्ट बिटवीन द सेट्स 30 से 35 सेकेंड, क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है। अभी हम जाने वेट को बढ़ाने, तो बने रहिए मेरे साथ। अब बैक कर रहे हैं 10 किलो और 10 किलो, जैसे अभी हो रही है 20 किलो, 20 20, 40 40 और 40 80 80, 30 110 120 130 130 और ये गया 15। कितना हो रहा है 130 और 15 145।
या बड़े लेख करना एकदम फलन तो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा विप्स मान लिया 15 रिपीटेशन आपको करना है कम से कम 10 से 8 रिपीटेशन और मैक्सिमम वेट तक जाना है ठीक है तो और भी सेट लगाना है और बढ़ते हैं हमारा अगला वर्कआउट में आप सोच रहे हो ना ये क्या है ये है मसल डॉक्टर का EAA जिसमें आपका 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स है 30 सर्विंग मिलता है फॉर 300 ग्राम्स जिसमें आपका ग्लूटेन एंड सोया फ्री है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दिया है 2500 mg एल लिसिन 1250 mg एल आइसोलेसिन एंड 1250 mg एल वैलिन जो बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल एमिनो एसिड्स है इसका काम क्या है इसका काम है आपका ब्लड सर्कुलेशन को बराबर रखना और आपका मसल को ड्यूरिंग वर्कआउट क्विक रिपेयर करना ठीक है तो टेक ए सिप और चलिए मेरे साथ आगे बढ़िए अगला एक्सरसाइज में तो हमारा अगला जो परफॉर्मेंस है वो है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट जिसके लिए एक बड़ा रॉड का और वेट हम लेंगे तो मसल का मेरा मसल का जो पावर है उसके हिसाब से ताकि मेरा जो टारगेट मसल है वो अच्छे से हिट हो पाए विदाउट इंजुरी 10 किलो से स्टार्ट कर रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट चीज आपका पैर का डिस्टेंस कितना होना है रॉड में भी ये नाम दिया होता है और इसके सिवा आपका जो शोल्डर का गैप है सेम गैप में आपको आपका पैर को फिक्स करना है देन उसी एंगल पे आपको पकड़ना है और टाइट ही पकड़ना है और एक चीज जो बहुत ध्यान रखना होगा इधर आ जाए आप ग्रिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है उसको कैसे ग्रिप किया जाता है बार को बेसिकली सब कोई ऐसे इसको ग्रिप करता है या ऐसे ग्रिप करता है कैसे ग्रिप करना है जो टाइटली हो सके जो टाइट बने ऐसे पकड़ना है देन हाथ को थोड़ा सा ट्विस्ट करना अंदर की तरफ देन इसको पकड़ना है ये ग्रिप सबसे टाइटली ग्रिप होता है अब इसको उठा रहा है एक कदम पीछे पैर का गैप बनाते हुए चेस्ट ऊपर की तरफ लिफ्ट और स्पाइन का पोजीशन आर्क देन अपन ग्लूट को धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव करना है और बार को नीचे तक लेके जाना है देन अप एंड आपके ऊपर जा रहा है आपके ग्लूट को अंदर की तरफ स्क्वीज करना है मेरे ग्लूट की तरफ आइए पीछे की तरफ और देखिए ये धीरे धीरे ग्लूट को पीछे की तरफ मूव करते हुए नीचे की तरफ फिर देन ऊपर पुल एंड अपने ग्रुप को स्विच या और इसको बहुत ही स्लोली परफॉर्म करना है हड़बड़ी करने से आपका जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है या आपका मसल का जो माइंड मसल का जो कनेक्शन है वो बॉन्डिंग टूट सकता है बहुत स्लोली और बहुत माइंड लगा के इसको परफॉर्म करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसके अलावा हैमस्ट्रिंग एक अच्छा शेप में नहीं आ सकता ठीक है गाइस तो इसका भी 3 सेट परफॉर्म करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे आवर नेक्स्ट वर्कआउट डेडलिफ्ट कंप्लीट और मेरा जो हैमस्ट्रिंग है वो काफी हद तक कम हो गया है और इसके बाद जो अगला वर्कआउट है जो अगला परफॉर्मेंस है वो है लाइंग लेग कर्ल और जिसके लिए हम डंबल यूज करेंगे और
इसके लिए कोई एक बंदे का हेल्प करेगा जो आपका पैर के ऊपर डंबल को चढ़ा देंगे। अगर आपका कोई ट्रेडिंग पार्टनर हो तो बहुत इजी है, मेरा इधर तो जिम में कोई है नहीं, एक बंदा दिख रहा है उसी को बुला ले, आ जाओ 10 किलो मेरा पैर में उठा के देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आर्च करके, हाँ कमर को ऊपर की तरफ थोड़ा लिफ्ट रहेगा, हाथ को बढ़िया से पकड़ना है, धीरे धीरे इसको नीचे जाना है, रेंज ऑफ मोशन कितना होगा, ये आपका घुटना पूरा सीधा नीचे तक नहीं होना है, आपका रेंज ऑफ मोशन यहाँ से स्टार्ट है और आपका टेंशन यहाँ तक बने, मतलब 90 डिग्री यहाँ तक, और इसको परफॉर्म करना है कितना अंतिम फेल्यूर हो, इसका कोई डिपेंड नहीं है, इसको अंतिम फेल्यूर परफॉर्म करना, और जब हो जाए तो इसको आराम से इसको और इसको छू के थोड़ा प्रणाम भी कर लीजिए, क्योंकि ये मेरा सब कुछ है, इसी के दौलत मेरा बॉडी बन गया है, तो इसको रिस्पेक्ट देना, हम लोग का काम है। नेक्स्ट वर्कआउट कौन सा है, हाइपर एक्सटेंशन, देखते कितना होता है, हम तो इससे करने वाले हैं हाइपर एक्सटेंशन का अलग एक बेंच होता है, तो फिलहाल वो बनने गया है तो इसमें मार देते हैं, पैर को ना अच्छे से लॉक करना है ताकि आपका बॉडी डिस्बैलेंस ना हो और एक जगह पे सेट रहे, घुटना को एकदम अच्छे से फिक्स, ग्लू टाइट, और बॉडी को ना धीरे 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 मूविंग फॉरवर्ड सामने की तरफ बढ़ाते हैं, देन आप आपका फोकस इधर रखिए, देखिए इधर आपका हैंड स्ट्रिंग कितना प्रेशर ले रहा है, धीरे धीरे जाइए मूविंग फॉरवर्ड एंड देन बहुत डिफिकल्ट वर्क, और अगर आप बिना सपोर्ट का नहीं हो रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं, आप धीरे धीरे सामने की तरफ जाइए मूविंग फॉरवर्ड, देन आप धीरे धीरे जमीन का हाथ रखिए, देन आप देन धीरे 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 मूविंग फॉरवर्ड एंड हाथ, देन आप बहुत डिफिकल्ट है, इसका भी 3 सेट लगाना है और सही से लगाना है, हम देख रहे हैं आपको आप सही से कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आज इधर ही हमारा लेग वर्कआउट मतलब आपका हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट खत्म होता है, आपको ये वर्कआउट जो शेड्यूल है इसको लगातार फॉलो करना है कम से कम 3 महीना, अगर आप एक अच्छा हैमस्ट्रिंग या अच्छा लेग चाहते हैं तो। किसी का मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए, तो मिलते हैं हमारा अगला कंटेंट पे, धन्यवाद। इन वेट कहाँ है, वो एक लड़का दिख रहा है, ओ भाई प्रणाम, चलिए इसको उठाया जाए, चढ़ जाओ उसने, यस मार सकेंगे, आइए।